पेरेंट्स, हमारा आज का सेकंड पार्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर वन, अब सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर वन तो हो गया हुआ है, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन नंबर वन नहीं था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर वन सिलेबस में ये है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन नंबर वन ये है। ओके, हम रीड करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज योर नेम? बच्चों, इसका मीन है आपका नाम क्या है। चलिए मेरे साथ रीड करें, व्हाट इज योर नेम? व्हाट क्या इज है, योर आपका नेम नाम, व्हाट इज योर नेम? बताएं आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम तो आमना है, माय नेम इज आमिना। ओके, अब आपने अपनी मामा को बताना है कि आपका नाम क्या है। माय, मेरा नेम नाम इज है आमिना, आमना। माय नेम इज आपका जो भी नाम है। चलिए फिर से मेरे साथ क्वेश्चन भी रीड करना है आपने, व्हाट इज योर नेम? आंसर, माय नेम इज, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज, मेरे पीछे पीछे पढ़ना है आपने भी, जैसे मैं रीड कर रही हूँ ना, आपने भी रीड करना साथ साथ। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज। ओके पेरेंट्स, बच्चों को सही से रीड करवाएं, याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी रीड करवाना है बच्चों को। ओके, ये आज की हमारी डायरी, डेट 9 अप्रैल 2020, डे थर्सडे, सब्जेक्ट है हमारा फोनिक्स, प्लस जनरल नॉलेज, रीडिंग बुक टू टेल द स्टोरी ऑफ एट, यानी आज एट की स्टोरी टेल की, लिसन की है बच्चों आपने। बुक पेज नंबर 3 लर्न, बुक पेज नंबर 3 आपने लर्न करना है बुक से, एंड जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 लर्न करना है आपने। ओके ओके पेरेंट्स।